हेलो फ्रेंड्स, मैं मेहुल जैन। आज मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा और उनके जवाब भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस इस नाम से भी जाने जाते हैं, ये राजनीति के पिता, बी नेताजी, सी महान क्रांतिकारी, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है बी नेताजी। दूसरा सवाल है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? ए 1 जनवरी 1856, बी 1 अगस्त 1896, सी 23 जनवरी 1897, डी 23 अगस्त 1896। सही जवाब है सी 23 जनवरी 1897। तीसरा सवाल है, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुई? ए 18 अगस्त 1945, बी 15 अगस्त 1932, सी 23 जनवरी 1952, डी 23 मई 1942। सही जवाब है 18 अगस्त 1945। चौथा सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए किस फौज का गठन किया था? ए साम्राज्य फौज, बी क्रांतिकारी फौज, सी हिंद फौज, डी आजाद हिंद फौज। सही जवाब है डी आजाद हिंद फौज। पांचवा सवाल है, इनमें से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था? ए जय हिंद, बी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है सी ए और बी दोनों। छठा सवाल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल में कौन सा नारा दिया था? ए जय हिंद, बी दिल्ली चलो, सी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, डी इनमें से कोई नहीं। से जावे भी दिल्ली चलो। सातवां सवाल है, सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर डैश थे, ए वकील, बी विधायक, सी लेखक, डी कवि। सही जवाब है वकील। आठवां सवाल है, सुभाष चंद्र बोस सार्वजनिक जीवन में कुल कितनी बार कारावास गए हैं? ए 1 बार, बी 9 बार, सी 11 बार, डी 10 बार। सही जवाब है सी 11 बार। नाइन क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान पर भारतीय स्वतंत्रता संगठन और आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की थी? ए भारत, बी इंग्लैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी जर्मनी। सही जवाब डी जर्मनी। दसवां और आखिरी सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने कब मानसिक एवं नैतिक विज्ञान ट्राई पास ऑनर्स की डिग्री ली? ए 1921, बी 1932, सी 1942, डी 1956। से जवाब है 1921। तो ये थे सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आने पर लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।